अमजद भाई, इसके बाद किस टीम का मैच होना है? अंदर सुना दो। हाँ हाँ हवा हवा ठीक है। हाँ भाई, अमजद भाई, किसका चितारा महमूदपुर वर्सेस हरियाणा को आवाज दी जा रही है, बिल्कुल तैयार रहे। आज आज बड़ा तगड़ा मैच है, लक्षण वार्म अप होने के लिए आवाज दी जा रही है। रोहतक हरियाणा वर्सेस जायका बैकर्स चितारा वार्म अप होते रहे। दो नंबर और यहां पर ओवर ट्राई, पूरी तरह से तकरीबन तकरीबन, लेकिन यहां पर एक और दो दो पर है बंदी घाट। बंदीघाट हरियाणा दो, जमदहा एक। दो और एक। आहा मोहम्मद सलमान, बहुत ही प्यारा उमदा कॉम्बिनेशन टैकल रहा। बकिया का काम टीम कैप्टन मोहम्मद कलीम ने निभाया। स्कोर बराबर दो पर है सदफ मेमोरियल हॉस्पिटल क्लब बंदी घाट, और दो पर है आई का वाल पेपर चंदहा। इस्लाम का आगमन, आहा आहा बहुत ही करीबी मामला। आह निकल गई थी जमदहा के खिलाड़ियों की, चंद इंच के फासले रह गए थे। थोड़ा सा अगर यहां पर चुस्ती दिखाते इस्लाम तो सुपर रीड तो हकीकत में आप पर बैठे होते। आह निकलने के बाद मिस कैच को कैच में तब्दील किया। सदफ नर्सिंग सदफ हॉस्पिटल बंदी घाट तीन पर है दो पर जमदहा। दो नंबर मार्का इस वक्त अपने फन को बेनकाब करने के बाद वापस बगैर किसी स्कोर अपने कोर्ट में, उसके जवाब में हजरते गिरामी एक और शख्सियत हमारे साथ जुड़ती हुई, हमारे बहुत ही अजीज दोस्त और इस टूर्नामेंट के बतौर मेहमान खुसूसी में थे, जनाब चुन्ने साहब सोंगर खलीज। हम बकरा में नहीं, बकरा बकरा नहीं खेलना है। क्या बात है, हाँ टोरी आवत है बोलो। जनाब चुन्ने साहब सिंगर बता रहे हैं था, लेकिन वो खलीज ममालिक में जरिए माश की वजह से मौजूद है, वहीं से लाइव अभी देखेंगे कस्बा माहौल तेज कुमार आसिफ साहब से वो जुड़ेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है।
भाई जो भी हजरात टू व्हीलर से आ रहे हैं, बड़ा मेहरबानी रोड पर आप गाड़ी को पार्क न करें। ग्राउंड का बड़ा वसी इंतजाम है, बड़ा मेहरबानी आप गाड़ी को पार्किंग में खड़ी कर दें और कोई दुकान वगैरह भी रोड पर न लगाए, बड़ा मेहरबानी। सुभाष भारती फौरन मुलाकात करें, अगर आ चुके हो फौरन मुलाकात करें। मोहम्मद सलमान तालियों की तलातों में मोहम्मद सलमान का इस्तकबाल होता हुआ पांच और छह, क्या गजब का मैच खेलता हुआ आई का वॉलपेपर जमदहा पांच नंबर की आमद होती हुई। इस वक्त मोहम्मद सलमान के पले से छलकने के बाद ताजा दम हुआ है और मोहम्मद कलीम और मोहम्मद मोहसिन को टारगेट किया, लेकिन निगाहों का बहुत ही प्यारा इस्तेमाल मोहम्मद सलमान कैश के लिए। कमेंट था पांच नंबर को बड़ी ही खूबसूरती से अपने कैद खाने में कैद करते हुए मोहम्मद सलमान। स्कोर बराबर हो चुका है छा और छा, जरा तालियां बजा दे मेरे दोस्त, स्कोर बराबर है। वक्फे वक्फे से आप अपनी तालियों की गड़गड़ाहट में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई जरूर करिए। छा और छा दो नंबर मारका, क्या गजब का रीडर है, बहुत ही मुनफरिद अंदाज का खिलाड़ी, क्या प्यारा स्टेमिना है इस बंकार का। इस वक्त बोनस को बचाने की फिराक में जमदहा और बोनस हासिल करने की फिराक में था, लेकिन और ट्राई कर बैठे मोहम्मद नासिर, अहमद पना साबित होता हुआ ये कैच और पूरा खामियाजा भुगतता हुआ आई का वाल पेपर जमदहा। सात और छह मजाकिर दुनिया कबड्डी का वो चश्मो चेराव, दुनिया कबड्डी का आने वाला कल, दुनिया कबड्डी का आने वाला मुस्तकबिल मोहम्मद मुजाहिद, लेकिन नाकामयाब वापिस बगैर किसी स्कोर अपने कोल में। उसके जवाब में टीम कैप्टन ने अपने सबसे काबिल कदर सबसे भरोसेमंद सरकार दो नंबर बंदी घाट को आजमाया है। इस वक्त बहुत ही प्यारे अंदाज में मोहम्मद साबिर उर्फ मोहनी को टच किया है और ईमानदारी का सबूत देते हुए मोहम्मद मोहनी और बड़ी ही आसानी के साथ एक स्कोर दो नंबर ने हासिल किया है सदफ मेमोरियल बंदी घाट के लिए। स्कोर बोर्ड और यहां पर सलमान जिंदाबाद जिंदाबाद मेरे प्यारे रीड में बहुत ही आला मोहम्मद सलमान का फन पूरी तरह से परवाज पर है और जो खामियाजा भुगत रहा था आई का वाल पेपर जम रहा उसकी भरपाई एक बार फिर से मोहम्मद सलमान ने पूरी की है। स्कोर को सात पर पहुंचाया है, सात पर आई का वाल पेपर जम रहा और बोनस ऑन था, बोनस को टारगेट किया, बोनस हासिल किया है दो नंबर में। नौ और सात मोहम्मद सलमान तराने कबड्डी की सदाओं को बुलंद करते हुए एक शाख से गलतियां एक बार फिर से मोहम्मद सलमान के कदम को। जमदहा आठ हरियाणा नौ। जमदहा दस हरियाणा नौ। राज
आकाश की आमद होती हुई। दो नंबर जर्सी नाम आकाश है और आकाश पर भी इस वक्त इसका फन पूरी तरह से बुलंद होता हुआ। दस और दस जरा तालियां बजा दें एक बार फिर से मेरे प्यारे। स्कोर बराबर। आहा, इस बार कोई चांस नहीं था कि मोहम्मद इस्लाम छकाते क्योंकि कैच बहुत आला वक्त पर किया गया और पहले हाफ की आखिरी लीड पर मोहम्मद इस्लाम दीपक और दो नंबर आकाश की गजा बनते हुए एक स्कोर बड़ी ही खूबसूरती से हासिल करने में कामयाब हो चुका है। सदर मेमोरियल हॉस्पिटल कलपंदी घाट 11 पर है। हाफ पाली के खेल के इख्तिताम होने पर पहला सेट सदफ मेमोरियल हॉस्पिटल बंदी घाट के नाम क्योंकि 11 पर है बंदी घाट जो मुकम्मल तौर पर यह हरियाणा की पूरी टीम है लेकिन बंदी घाट के नाम से खेलती हुई वही पर उसके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद सलमान का फन क्या गजब का फन आज रहा है। लेकिन यहाँ पर खेल को प्यारे दोस्ताना माहौल में खेले बहुत ही प्यारे अंदाज में ब्लॉक किया दोनों कदम को अपनी बाहों में समेटा और एक स्कोर एक बार फिर से हासिल किया है बंदी घाट में। 12 और 10 पांच नंबर दीपक की आदमाइश होती हुई बड़े की मुनफरिद अंदाज का रीडर है इस वक्त मोहम्मद सलमान को खुला चैलेंज देता हुआ बार बार अटैक कर रहा है कभी जनाबे साबिर को कभी जनाबे मोहसिन को कभी जनाबे सलमान को तमाम फनकारों को टारगेट किया लेकिन टारगेट हासिल करने में नाकाम वापस बगैर किसी स्कोर अपनी कोल में 12 against 10 12 पर है बंदी घाट और 10 पर चंबहा। गेट गेट में सुभाष भारती को आने का रस्सी नीचे कर ले। हाँ सुभाष भाई आ जाए आप। ठीक ठीक दो नंबर आकाश एक बार फिर से पूरी तरह से अपने आप को छोड़ते हुए बहुत ही आला अंदाज का रीडर जितनी रीड थी आकाश की हर रीड में आकाश ने कामयाबी दिलाई है बंदी घाट को लेकिन इस बार अपनी बॉडी को अपने जिस्म को संभालने में नाकाम हो गए और बेनिफिट की शक्ल में एक स्कोर हासिल होता हुआ इस वक्त जंदहा के हक में 14 और 12 दो पॉइंट से अब इस वक्त लीड करता हुआ आई का वाल पेपर जंदहा का दस्ता और दो पॉइंट से पहली मर्तबा बैक फुट पर नजर आता हुआ बंदी घाट। दो नंबर आकाश आकाश की आदमाइश होती हुई बहुत ही प्यारे अंदाज का रीडर इस वक्त अपने फन को बिखेरा लेकिन नाकामयाब वापिस बगैर किसी स्कोर अपनी कोड में। चौदह और 12 फील्ड में आने के लिए आवाज दी जा रही है जायका बेकर्स चितारा महमूदपुर टीम कैप्टन मोहम्मद उमान वर्सेस रोहतक हरियाणा। अपने आप को अगर आप वार्म अप करा चुके हो तो फौरन अब स्थान से परस्थान करें जायका बेकर्स से चितारा महमूदपुर और रोहतक हरियाणा। 14 और 12 14 की स्कोर पर इल्म अदब
तहजीब और तमद्दुन और सकाफत के शहर शीरा से हिंद जौनपुर की सबसे मजबूत टीमों में सरे फहरिस्त मौसा जम रहा आई का वॉलपेपर का फन पूरी तरह से अपनी बुलंदी पर और तो 2021 के सीजन में सबसे ज्यादा इलाके में अगर कोई टीम फाइनलिस्ट रही है वो आई का वॉलपेपर जमदहा अव्वल मकाम पर बरकरार है। लेकिन इससे कबल पहले चितारा महमूदपुर में भी इसी जमदहा ने इसी बंदी घाट के खिलाफ मैच खेला था लेकिन उसमें एक तरफा अंदाज में 28 तारीख में ही मैच वो दाखिल हो गया था उसमें शिकस्त खाया था जमदहा इसी सदफ मेमोरियल बंदी घाट से। लेकिन इस मर्तबा क्या गजब का कमबैक किया है अपनी गलतियों पर नादिम होकर के अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर के आई का वॉलपेपर जमदहा ने क्या गजब का कमबैक किया है और हरियाणा की मुकम्मल टीम को हमारे इलाके की सजी हुई टीम जमदहा पूरी तरह से परेशान करके रख दिया है और पहली मर्तबा जमदहा की टीम 2 पॉइंट की लीड करती हुई अब यहां से समझकर अकल से और दानिशमंदी के साथ खेल दिखाना होगा। अगर एक भी ओवर ट्राई जमदहा ने किया तो उसका पूरा फायदा वो बंदी घाट बड़ी ही आसानी के साथ उठा लेगा। बहुत मजबूत टीम ये सदफ मेमोरियल हॉस्पिटल बंदी घाट की क्या किस्म का इनका फन है। दीपक 5 नंबर का और 2 नंबर जो है आकाश का फन आज जिस तरह से होना चाहिए था थोड़ा सा उनके फन पर और उनके तमाम खिलाड़ियों के फन पर एक सवालिया निशान लगता हुआ क्योंकि हमारे इलाके की टीम से अचानक 2 पॉइंट से आखिरी मोमेंट पर पिछड़ने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी में नजर आता हुआ इस वक्त बंदी घाट का दस्ता। बहुत ही प्यारा ग्राउंड बहुत ही शानदार ग्राउंड सजाया और संवारा गया था मोहम्मद अमजद खान बखरा और जनाबे मुशीर शेख साहेब बखरा और जनाबे जावेद आलम साहेब विधानसभा अध्यक्ष AIMIM दीदारगंज इन तीनों साहेबान की निगरानी में ये ग्राउंड सजाया और संवारा गया। हकीकत में कबड्डी प्रतियोगिता बहुत होती है लेकिन बखरा का खेल अपने आप में बहुत बाकमाल होता है अपने आप में काबिले दीद होता है। जनाबे अमजद साहब को एक बार फिर से मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपका ये टूर्नामेंट अपने नशेबो फराज से गुजरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता अपने मंजिले मकसूद की तरफ गामजन होता हुआ क्या जबरदस्त है। आज फील्ड रिटर भी रहे हैं मुंतजमीन कबड्डी बखरा हमेशा की तरह इंसान भी कोई कसर नहीं कोई कमी नहीं कि खिलाड़ी जो है नाराज हो कि फील्ड मुनासिब तौर पर नहीं तैयार की गई है अच्छी अच्छे अंदाज में अच्छे ढंग में तैयार नहीं की गई है कोई खिलाड़ी शिकायत नहीं किया जितने कोच थे जितने खिलाड़ी थे फील्ड देखकर बहुत मुतमईन थे क्योंकि बखरा की ये सभ्यता रही है ये संस्कृति रही है यहाँ का ये माहौल रहा है कि कोई प्रोग्राम रहा हो वो अपने आप में बहुत कामयाब होता है चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो कबड्डी हो कोई खेल हो बखरा का ये खूबसूरत गांव एक बार फिर से मोहम्मद अमजद की कयादत में तारीफ रकम करता हुआ मोहम्मद मुजाहिद दुनियाए कबड्डी का वो पपीहा दुनियाए कबड्डी का वो तुर्रम खान दुनियाए कबड्डी का वो शहजादा
बाबा जिसकी बाहों में बंदी खाट के तमाम सातों फनकार इस वक्त हुस्न करते हुए, लेकिन कामयाबी और कामरानी ने साफ तौर पर कदम को चूमने से इनकार किया, वापस बगैर किसी स्कोर अपनी कोड में। आकाश इस वक्त अपनी डूबती नैया को साहिल के किनारे लगाने की फिराक में इस वक्त बोनस को जो है तरजीह दिया और बोनस हासिल किया है। दो नंबर आकाश का फन अब इस वक्त धीरे धीरे निखार पर आता हुआ लेकिन मौसर जवाब देता हुआ, हमारे इलाके का शहजादा, हमारे इलाके की आबरू, हमारे इलाके की थड़कन, हमारे इलाके की शान मोहम्मद सलमान। क्या कहने मेरे प्यारे, जितनी लीड रही है मोहम्मद सलमान की वो बहुत कामयाब रही है। क्या खसब का परफॉर्मेंस देते हुए मोहम्मद सलमान मकामी सोनर लेकिन शमूलियत अपनाया है इस वक्त आईका वॉलपेपर जमदहा में। 13 और 14 एक पॉइंट का फासला, एक पॉइंट की लीड अभी भी करती हुई जमदहा। इससे पहली जो रीड थी आकाश की, क्या खूबसूरती से बोनस को हासिल किया था। ओवर ट्राई कर बैठे, मैंने पहले ही कहा था कि जमदहा ओवर ट्राई अगर करेगा तो उसको ही खामियाजा उठाना पड़ेगा। डू और डाई, ठीक, डू और डाई। मोहम्मद इस्लाम हमारे इलाके का सबसे लंबा तंबा फनकार, क्या कहने, 5 नंबर कीपर को टच किया, टारगेट किया, कामयाबी दिलाई है मोहम्मद इस्लाम ने। और इस वक्त जमदहा थोड़ा सा स्कोर हरकत में आता हुआ 15 against 14 पर मुकाबला। गलती हो सकती है, मोहम्मद सलमान बचना चाहते थे, इरादे को मुलतवी करना चाहते थे, बैक होना चाहते थे, लेकिन 2 नंबर आकाश की गजा बनते हुए बहुत ही प्यारा यहाँ पर बैक हो, कमर पूरी तरह से निगाहों में आ चुकी थी 3 नंबर के, और बड़ी ही खूबसूरती से बैक होल के जरिए मोहम्मद इस्लाम रिजा बनते हुए कैचर ऑफ बंदी घाट की। 16 और 15 अब पूरी तरह से करो या मरो की स्थिति में यह मैच दाखिल होता हुआ, एक गलती मोहसिन की और मोहम्मद सलमान का टच होना आई का वॉलपेपर चमदहा के लिए बहुत मुजिर साबित होता हुआ। इस्लाम दुनिया कबड्डी का बेहतरीन अंदाज का खिलाड़ी और ताकत के बलबूते पर जोर आजमाई के जरिए पॉइंटेड लाइन को टच करना चाहा, लेकिन यहां पर मजबूत चट्टान थी, 5 नंबर दीपक और उनके सपोर्टर 9 नंबर ने इस वक्त सलमान को धाराशाही किया, 17 पर पहुंचाया है सदफ मेमोरियल पंडी घाट, 18 पर पहुंचता हुआ और 15 पर है इस वक्त जमदहा। मुजाहिद अभी तक टीम के मन मुआफिक, टीम के नक्शे कदम पर नहीं चल सके, जितनी लीड रही है या तो सेफ रही है या तो नाकाम रही है। 9 नंबर एंगल होल्ड करना चाहते थे और मोहम्मद मुजाहिद ने बहुत अहम मोमेंट पर एक स्कोर दिला करके जमदहा को अपने राहत की सांस दिलाते हुए मोहम्मद मुजाहिद 18 और 16। आकाश, आकाश पर फन भी है आकाश का, 2 नंबर मारता आकाश। मोहम्मद इस्लाम आने वाला कल हर तरह से साफ तौर पर चमकदार दिखता हुआ मोहम्मद इस्लाम बड़े ही खूबसूरत अंदाज में एक बार फिर से बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन टैकल रहा,
दस नंबर, दो नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, तीन नंबर का मुस्तर का कैच रहा और इस्लाम मुसलसल कैद खाने में कैद होते हुए और पानी के मानिंद स्कोर बोर्ड हरकत में आता हुआ सदफ मेमोरियल हॉस्पिटल बंदी घाट 19 पर और हमारे इलाके की आई का वॉलपेपर चंदहा पूरी तरह से बहुत आला मैच खेलती हुई 19 और 16। भाई चाय वाले भाई, अच्छा ठीक है भाई, चाय वाले भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं स्टेज पर फौरन चाय लेकर आए, कमेटी का आदेश है। आज के हमारे ऑफिशियल, हमारे बड़े भाई, हमारे बहुत ही करम फरमा ग्राम प्रधान अरनौला वलीउद्दीन उर्फ ताहिर साहब की आमद होती हुई हम उनका दिल की अमीक गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। गुलरेस आरंभ का अरशद भाई का और साथ देंगे आज ग्राम प्रधान अरनौला 19 और 16, 20 और 16। पांच नंबर दीपक, दीपक की तरह चमकते हुए दीपक अपनी रोशनी को फैलाते नजर आते हुए दीपक पांच नंबर बोनस को टारगेट पर। गलतियां मोहम्मद सलमान से होती हुई, खामियाजा आईका वॉल पेपर जंतहा उठाती हुई एक स्कोर दीपक ने दिलाया है पंडी घाट को, एंगल होल्ड करने की कोशिश विफल। एक बार फिर से इस्लाम ने कामयाबी दिलाई 21 और 17। अब तक जितने मैचेस हुए हैं तमाम मैचेस में सबसे दिलचस्प, सबसे आखिरी, सबसे कांटे भरा मुकाबला चलता हुआ आई का वाल पेपर चंदहा वर्सेस पंडी घाट के दरमियान। मोहम्मद इस्लाम बहुत ही बेहतरीन अंदाज का रीडर है, बहुत ही बेहतरीन ढंग में कामयाबी दिलाने का जुनून है इस पंकार के अंदर, लेकिन हर कीमत में स्कोर लाना है मेरे दोस्त, क्योंकि जंदहा की नैया एक वक्त साहिल के किनारे लग चुकी थी, लेकिन थोड़ा सा मिस्टिक ने इस वक्त नैया को डुबोते हुए और बोनस हासिल किया है, एक स्कोर हासिल किया है इस्लाम ने इस वक्त आई का वाल पेपर जंदहा के हक में 21 और 18, 3 पॉइंट का फासला। जनाबे नासिर साहब बहुत अहम खिलाड़ी, अपने वक्त का टीम से जुड़ता हुआ और अपने तजर्बे को दिखाया, लेकिन उसके शहजादे उस तरह का फन नहीं दिखा पाए, लेकिन भले ही सदफ मेमोरियल हासिल